दोस्तों इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे बड़ा नाम ओला इलेक्ट्रिक आता है। अगर हम ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ जाते हैं तो यार बजाज का नाम आता है। सो डेफिनेटली यार बजाज की तरफ से एक नया अपडेट देखने को मिल चुका है, जिसके थ्रू आने वाले कुछ महीनों में या आप इसको 2025 के स्टार्टिंग में आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यार बजाज की तरफ से नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाली है, क्योंकि पिछले महीने में ओला इलेक्ट्रिक को बजाज ने टक्कर दी थी और बजाज ट्रस्टेड कंपनी होने के कारण सेल्स इनका अच्छा है, लेकिन ऑप्शन काफी कम है। इसलिए बजाज ने प्लानिंग कर दिया है कि आने वाले टाइम में हमारे पोर्टफोलियो में एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐड होने वाली है। तो चलिए गाइस डिटेल में बात करते हैं, एंड ये मैं कैसे डायरेक्टली बता रहा हूँ इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट गाइस मैं आपको दे रहा हूँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, काफी कमाल की अपडेट आप सभी के लिए हम लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले दिवाली तक इनका इवेंट रहने वाला है, उस इवेंट में बजाज जो है नए प्रोडक्ट के बारे में रिवील करने वाला है, जैसे कि लाइक इसमें बैटरी वगैरह क्या रहेगी, वारंटी जो है इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि इंडियन मार्केट में ईवीज में काफी सारे ब्रांड जो है 5 साल के ऊपर ही वारंटी देते हैं, कई कई सारे ब्रांड 8 साल की वारंटी या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रहे है, क्योंकि यार उनको उनके बैटरी सेल्स पर भरोसा है। इसलिए बजाज भी नए टेक्नोलॉजी की बैटरीज में ऐड करने वाला है। सो डेफिनेटली 8 साल तक तो आपको वारंटी मिलेगी ही मिलेगी, नए फीचर्स क्रूज कंट्रोल वगैरह भी देखने को मिलेगा, डिस्प्ले में भी नए चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और डेफिनेटली जो लुक्स रहेगा उसमें भी थोड़ा सा आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेगा, क्योंकि बजाज में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में मॉडल काफी है बट लुक वाइज सेम ही लगते हैं। सो जिनको भी एक लग रहा था कि यार बजाज कंपनी तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी है लेकिन कुछ अलग लुक चाहिए, तो उनके लिए गुड न्यूज है, एंड काफी सारे कस्टमर की जो डिमांड थी वो बजाज जो है जल्दी पूरी करने वाला है। इसके बारे में डिटेल वीडियो जल्दी आएगी, जैसे कि मैं इवेंट में जाने वाला हूँ, सो इवेंट का पूरा डिटेल आपको लाइव इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। एंड वैसे भी गाइज हम ईवीज के काफी वीडियो जो है काफी सालों साल से बना रहे हैं। अभी बात करते हैं कि मिनिमम रेंज कितने देखने को मिल सकती है। सो गाइज रेंज जो इसमें 120 से लेकर 140 किलोमीटर तक आपको इसमें रेंज देखने को मिलेगी, एंड बैटरी के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वारंटी भी बढ़ेगी एंड नई टेक्नोलॉजी की बैटरी रहेगी। मोटर की बात करें तो मोटर भी आपको नई मोटर देखने को मिलेगी, एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं कि यार स्पीड जो है थोड़ा सा ज्यादा होगा, 80 से लेकर 85 केएमपीएच तक आपको स्पीड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार पहले चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पीड थोड़ा सा कम ही था, सो उस हिसाब से नए जनरेशन के हिसाब से ये बजाज जो इसमें भी अपडेट कर सकता है। अभी बात करते हैं कि यार प्राइसिंग क्या देखने को मिल सकती है। सो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये इवेंट के बाद ही पता चलेगा, बजाज जो है मार्केट को कैच करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि यार ओला को भी ये टक्कर दे रहा है, सो काफी अट्रैक्टिव प्राइस में देखने को मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,25,000 से लेकर 1,35,000 तक एक्सपेक्टेड प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। एंड रही बात टेस्टिंग के बारे में कि यार टेस्टिंग वगैरह इन्होंने नहीं की है क्या, तो कुछ महीनों पहले इन्होंने एक टेस्टिंग इमेज भी शेयर की थी, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि ये मॉडल भी इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ आने वाले टाइम में यार बजाज की तरफ से एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली है, ये तो बात कंफर्म है, तो जल्दी हम इवेंट में जाने के बाद कवर करेंगे पूरी डिटेल वीडियो। ये थी कुछ आज की बजाज की तरफ से शॉर्ट अपडेट, बजाज न्यू अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।